बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसमें मैं प्रॉपर पीला घाघरा पहन के आगरा जाती हूँ और उधर के लोगों को घायल करती हूँ। ये मेरा रियल नेम है और मैं सबको यही चीज़ बोलती हूँ, मेरे पप्पा ने सबसे अच्छा काम किया है कि उन्होंने मेरा नाम, इतना प्यारा नाम मुझे दिया है, ग्लोरी मोहंता। आज का गाना कितना इम्पोर्टेंट है हरियाणा का लड़का यहाँ पर पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रख रहा है, वो भी शहंशाह के किरदार में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोग सब अलग अलग लैंग्वेज के आते हैं और हम लोग अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग इतने अच्छे हैं कि वो लोग हर जगह का टैलेंट को वो एक्सेप्ट करते हैं और मोटिवेट करते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए तो बहुत अच्छा गाना है। मैं ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। वो तो मैं बताना चाहूँगी, वो तो मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं कैसे आइटम सॉन्ग कर दिया मैंने, बट हाँ, मुझे फर्स्ट टाइम चांस दिया था पप्पू खन्ना जी ने, जिन्होंने बोला था बेटा आपको थोड़ा ऊपर मतलब सोचना चाहिए, मैं प्रॉपर बैक डांसिंग करके देन मैं आइटम सॉन्ग में आई हूँ और सभी जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं उनके सपोर्ट से आई हूँ मैं। घर में क्या डांसिंग माहौल था या स्कूल में था या क्या बनना चाहती थी? सच कहूँ, मेरे घर पे सबके सब एजुकेटेड हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, मेरे पापा खुद जो आज सब एयरफोर्स वालों को बोलते हैं, तो मैं खुद एक सर्विसमैन से हूँ, मतलब सर्विस के फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे घर पे सब पढ़ाई के हैं, बट मैं अकेली थी जिसके अंदर ये डांसिंग कीड़ा था और मैं स्कूल टाइम से ही डांस कर रही हूँ। पहली बार आपका कौन सा डांस था जिसने आपकी लाइफ बदल दी, आपको ग्लोरी की पहचान बनी? मेरा पहला गाना था, पंजाबी फिल्म था, मतलब ये हायो रब्बा इश्क ना होवे, माचिस की तिल्ली हूँ मैं, ऐसे गाना था जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा मेरा लाइफ चेंज हो गया। आपको कितना मज़ा आता है इसमें, आपने कभी सोचा नहीं मैं एज ए हीरोइन करना चाहिए या इसी में अपनी लाइफ? देखिए, मैं बहुत सिंपल सा अपने ऑडियंस को बार बार इसके लिए बताती हूँ कि मैं बैक डांसर से मैं आइटम गर्ल बनी हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई भी अच्छा चांस मिले, कभी भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, तो डेफिनेटली अगर हीरोइन का मिले तो मैं हीरोइन का भी करूँगी। आइटम गर्ल को एक अलग नज़र से देखा जाता है, अगर ग्लोरी की बात करें आप कैसा फील करते हैं जब बोलते हैं आइटम गर्ल जा रही है, आपको प्राउड होता है या थोड़ा बुरा लगता है? देखिए, प्राउड मुझे अपने काम से हमेशा होता है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, और रहा सवाल पब्लिक तो बोलती है यार मलाइका अरोरा खान को नहीं छोड़ा जो कि खान फैमिली की बहू है, तो फिर मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। पहला ऐसा कौन सा ब्रेक था जो आपको लाइफ में मतलब आपकी लाइफ बदल दी, आप जा रहे हैं तो आपको बोले आइटम गर्ल ग्लोरी जा रही है, वो ऐसा वाक्य कौन सा था बताएंगे? सच कहूँ तो वो अभी कुछ महीनों पहले ही हुआ था, साजन चले ससुराल पार्ट टू, जिसमें मुझे आलोक जी ने बहुत बड़ा ब्रेक दिया और शायद उसी के कारण आज सब इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सब लोग मुझे जानते हैं। ऐसा वाकई जब आप जा रहे हैं पीछे से आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ कि हीरोइन जा रही है, आइटम गर्ल जा रही है, मार्केट में आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, वो ऐसा वाकई? सच कहूँ मुझे कोई पहचान नहीं पाता, बिना मेकअप के मुझे कोई नहीं जानता है, बट हाँ जो लोग जानते हैं वो लोग मेरे नेचर को जानते हैं, तो वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। फिटनेस के बारे में अपने आप को आइटम गर्ल है तो फिटनेस का ध्यान रखते हैं? देखिए, मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, मैं जो मिलता है सब खाती हूँ, बट रेगुलर मैं जिम जाती हूँ या फिर आप बोल सकते हैं कि जॉगिंग जाती हूँ, और मैं पहले एथलीट प्लेयर रह चुकी थी, इसलिए मेरा बॉडी स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा कि मैं काफ़ी एथलीट टाइप की हूँ। मैं बताना चाहूँगी, प्लीज़ लुक एट माई काफ्स, आई डोंट थिंक सो कि इतना किसी लड़की का भी काफ्स होंगे इस इंडस्ट्री में, एंड मेरा शोल्डर से लेके मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मैं प्रॉपर नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, तो मुझे फिटनेस के लिए उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। संघर्ष की कहानी की बात करें जी, ग्लोरी को पूरा संघर्ष करना पड़ा बॉलीवुड में, परदेश से है, दूसरा शहर है, लड़की के लिए खासकर मुझे मिलना, प्रोड्यूसर के पास जाना, डायरेक्टर के पास जाना, मुझे रियली बहुत बहुत मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, क्योंकि उनको चाहिए था कि मैं जॉब करूं, और मैं प्रॉपर जॉब छोड़ के मैंने इतना स्ट्रगल किया कि एक टाइम था कि जब मुझे स्टेशन पे भी सोना पड़ा है, मैंने इतना भी किया या एक वड़ा पाव खा के भी मैंने दिन बिताया है, और भगवान की दया से मुझे सब अच्छे लोग मिले, सब लोगों ने मुझे चांस दिया, मेरा टैलेंट देखा, और आज शायद मैं आप लोग के सामने हूँ, शायद वो संघर्ष मैं भूल गई हूँ जो तकलीफ़ था, बट हाँ मैंने मेहनत किया है। अब
अपनी पहचान आपने भोजपुरी तक ही क्यों बना के रखी, इससे आगे बॉलीवुड में भी जा सकते हैं आप, या इसी में आपको अच्छा लगता है, या प्रेम हो गया है लोगों से, क्या कहना चाहिए? मैं जाना नहीं चाहते आप, ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, मैं सिर्फ भोजपुरी में नहीं हूँ, मैंने बंगाली किया है मूवी, ओरिया किया है, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी और साउथ इंडियन में भी ट्राई करी हूँ। आपकी इच्छा है काम करने की? मैंने जो बड़े स्टार के साथ काम किया है वो है राजपाल यादव जी, मनोज जोशी जी और संजय मिश्रा जी, इनके साथ मैंने हिंदी फिल्म किया है बॉलीवुड का, बट आई होप आई थिंक मुझे और चांस मिले, और भगवान की दया से मुझे चांस मिल ही रहा है, तो जितने में है उतने में खुश हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री अब छोटी नहीं रह के काफी बड़ी हो गई है जी, एक भोजपुरी कलाकार है जो बिग बॉस में पहुंचे हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे मोना लिसा के बारे में? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, मोना जी के साथ भी मैंने काम किया है, मैं तब असिस्टेंट हुआ करती थी जब मैंने उनको एक बार डांस सिखाया था, एंड वाकई ही मुझे नहीं, आई गेस सबको प्राउड फील हो रहा है, सिर्फ मोना जी के लिए नहीं, जो जो बिग बॉस में गए, निरोवा जी भी गए थे, सब लोग गए थे, और शायद यही लोग हैं जो हमारे इंडस्ट्री को बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं। अपना कंपटीटर किसको मानते हैं ग्लोरी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में गिने चुने चार पांच लोग हैं जो आइटम शॉप में हैं, आपके कंपटीटर किसको मानते हैं, राखी, सीमा, सच कहूँ? हाँ। मैं किसी को कंपटीटर नहीं मानती, क्योंकि मैं आज भी उस लेवल पे नहीं पहुंच चुकी हूँ, जो सबसे टॉप में है वो है संभावना जी, वो मेरी आइडल है, उसके बाद है सीमा जी, वो मेरी आइडल है, और उनसे अगर बच कुछ के जो काम बच जाता है वो मुझे मिल जाता है, तो मैं उनकी कंपटीटर नहीं हूँ, ना ही समझती हूँ, बट हाँ उनको फॉलो करती हूँ।